हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चलेंगे मेरे YouTube सेटअप की तरफ। मैं आपको अब दिखाऊंगा कि मैंने कैसा मेरा YouTube सेटअप किया हुआ है, क्योंकि बहुत सारे मेरे दोस्त जो है वो अभी YouTube चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन जो है चीज़ों की कमी के कारण वो स्टार्ट नहीं कर पा रहे कि ये सारी चीज़ें हो जाए फिर मैं जो है YouTube चैनल अपना स्टार्ट करूँगा। तो दोस्तों, मैंने कैसे जुगाड़ से अपना पूरा YouTube सेटअप बनाया हुआ, आज इस वीडियो में हम वही देखेंगे। तो फिर हम जल्दी से चलते हैं और देखते हैं मेरा जुगाड़ वाला यूट्यूब सेटअप। तो आइए दोस्तों, हम चलते हैं हमारे जो है YouTube सेटअप की तरफ। ये जो है हमारा रूम है, यहाँ हम अंदर आकर ये जो है यहाँ से लाइट्स को ऑन कर लेते हैं। ये हमारी जो है सारी जो है लाइटिंग्स हमने ऑन कर ली है, और ये देखिएगा, ये है पूरा जो है मेरा YouTube जुगाड़ वाला सेटअप। मैं आपको दिखाता हूँ सारी चीज़ें एक एक करके, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, हम थोड़ा सा अंदर आ जाते हैं क्योंकि सारी वायरिंग सब यहीं पर करी हुई है, तो हम यहाँ अंदर की तरफ आ जाते हैं। ये जो है, ये है मेन हमारी टेबल। यहाँ पर हमारे ट्राइपोड भी डैमेज हो गया है, तो हमने उसको रिपेयर करके चला लिया है। ये काउंटर है जो पुराना पापा की शॉप पे जो वीडियो गेम्स आते थे उसका था, तो वो मैंने यूज़ किया। और यहाँ पर एक नॉर्मल सा वाइट चादर लगाया हुआ है। तो ये है हमारे बैठने वाली स्टूल, इस पर हम बैठते हैं। और एक और ये ट्राइपोड मैंने काफ़ी समय के बाद में ही लिया था, लेकिन इसकी भी एक टांग यहाँ से टूटी हुई है, पूरा ये टूटा हुआ है, लेकिन हम इसको अटका के चला लेते हैं। इसको अटका के जो हम चला लेते हैं। और इसके अलावा फिर हम इधर चलते हैं लाइटिंग के लिए। देखिए तो लाइटिंग, एक मेरे वो वहाँ पर ऊपर बल्ब है और एक वो बल्ब इधर लगा हुआ है, और बाकी ये दो लाइट्स जो हैं ये मैंने जुगाड़ से की हुई है। एक लाइट तो वो जो सीरीज़ होती है दिवाली पर सीरीज लगाते हैं, उसकी सीरीज़ का पे एक बल्ब लगा दिया और एक बल्ब इधर लगा दिया। और ये साथ में यहाँ पर ये एल्यूमिनियम्स के जो हैं पोल्स हैं, ये भी पड़े हुए थे अटाले में जुगाड़ में, तो मैंने वो लगा लिए। और ये जो है इसके ऊपर मैंने कर्टिन डाल दिया ताकि जो फेस पर फोकस जो आता है वो सही से आ जाए। और ये कुछ समय के बाद में मैंने ये ब्लैक कर्टिन लिया है ताकि मेरा बैकग्राउंड वाइट हमेशा आ रहा था, तो थोड़ा सा ब्लैक हो जाए। और एक ये लाइटिंग है, मैंने वही वीडियो देखा था जिसमें लाइटिंग्स का थोड़ा दिया था, तो मैंने ये लाइटिंग जो है कलर्ड वाली लाइटिंग भी परचेज कर ली थी। हम थोड़ा सा अब देखते हैं, वॉइस जो बहुत सी बार इको आती है, तो उसके लिए मैंने ये सामने पूरे कर्टेन लगा दिया है और एक बोर्ड रख दिया था कि मैं वही वॉइस जो है वो टकराकर वापस आ जाए। और एक इस तरफ भी मैंने ये जो है वॉइस थोड़ी ज़्यादा गूंजती थी, तो वो मैंने लगा दिया। तो ये सारी चीज़ें जो है मैंने जुगाड़ से की हुई है। हम थोड़ा सा बाहर आके आपको और अच्छे से दिखा देते हैं हमारा पूरा सेटअप। ये देखिएगा, ये जो है पूरे रूम में मैंने इस तरफ इसके पीछे जो है दरवाज़ा के पीछे सारे यहाँ पर बॉक्सेस रख रखे हैं, ताकि क्या है कि रूम खाली रहता है तो वॉइस ज़्यादा गूंजती है, तो इस वजह से जो है हमने पूरे रूम में ज़्यादातर बॉक्सेस रख के इसको पूरा भर दिया। अब आप खुद देखिए अब इसमें क्या एकदम कम्प्लीटनेस है, कुछ भी ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ। बस आप जो देखते हैं वो पीछे ये वाला जो बैकग्राउंड है, बस आपको ये दिखता है, और ये मेरे सामने पूरा सेटअप है। अब आपको दिखाता हूँ, देखिए अभी तो ओवरहेड में दूसरी चीज़ बना रहा हूँ। ये एक पाइप आपको दिखा होगा, ये जो पाइप है ये मैं यहाँ से इस वॉल से लेके उस विंडो पे लगाता था, और ओवरहेड वाले जो है ये वो उस विंडो पे, और ओवरहेड वाले जो है वीडियो उसी से बनाता था। तो उससे ऐसा कुछ भी नहीं है, आप जो है छोटे छोटे जुगाड़ से भी पूरा अपना सेटअप बना सकते हैं। ये देखिए पूरा मेरा सेटअप, कोई बड़ा विशेष उसमें तामझाम नहीं किया हुआ। ये पूरा मैं आपको जो है मेरे रूम का जहाँ मैं वीडियो बनाता हूँ, जैसा अधिकतर अटाला रखा हुआ है, पूरा सेटअप मैंने आपको जो है इस वीडियो में दिखा दिया। तो अब आप अगली बार ये मत कीजिए कि यार मेरे पास ये चीज़ नहीं है वो चीज़ नहीं है, सारी चीज़ें वो ज़रूरी नहीं है, बस आप जो है अपना YouTube चैनल स्टार्ट कर दीजिए, सिंपल सा। और किसी भी चीज़ का आपको कोई इंतज़ार नहीं करना है। ये देखिए अंदर पूरा, ये देखिए स्विच लगी, वो गेमिंग आते थे ना, तो ये मैंने उस बॉक्स को यूज़ कर लिया। कहाँ टेबल बनवाएंगे, टेबल का खर्चा करेंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग में सब जुगाड़ से सारा काम हो जाता है, ऐसा नहीं कि हर चीज़ परफेक्ट होगी तभी आप अपना YouTube चैनल स्टार्ट कर पाएंगे। दोस्तों आपने देखा, मैंने मेरा पूरा YouTube सेटअप आपको दिखाया। ये देखिए इस जगह से जो है मैं अपना पूरा जो है सारे आजकल रिकॉर्डिंग्स करता हूँ। ये पीछे एक ब्रेक करके जो हमने कर्टिन लगा दिया है, उससे जो है पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग होती है। एक बार आपको ऐसा लगता है कि मैं कहीं और का दिखा रहा हूँ, तो ये देखिए मेरे पीछे का पूरा जो है मैं आपको और दिखा दे रहा हूँ चारों तरफ घूम घूम के। ये देखिएगा ये सारी चीज़ें जो है हमारी पड़ी हुई, ये स्टैंड है, ये हमारे पीछे वो हमारा एक और जो है ट्राइपॉड है, दोनों ही डैमेज, ठीक है चलता है, हमारा काम तो चल रहा है ना। परफेक्शन ज़रूरी नहीं है, शुरुआत करना और करते रहना वो ज़्यादा ज़रूरी है।